स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अच्छा लगता है। इस समय बैंक स्वीट स्पॉट में है, बैंक्स में सरकारी बैंक्स एक प्रेफर्ड स्पेस है, और वो सरकारी बैंक्स पे कई बार चैनल पे चर्चा हुई, इनफैक्ट यहां तक चर्चा हुई कि पीएसयू बैंक का ईटीएफ ले लीजिए, वो ईटीएफ देखिए पिछले एक हफ्ते में किस तरह से फटता हुआ नजर आया। तो सरकारी बैंक्स में बीटा तगड़ा है नीचे वाले छोटे सरकारी बैंक्स का, एसबीआई फिर भी रिलेटिवली बेहतर है, पर लेना कंफर्ट इसी के साथ था। आप कुछ छोटे वाले भी सिंगल आउट कर सकते हैं, मोमेंटम बहुत स्ट्रांग बना हुआ है, आपने सब नोटिस करा होगा सारे के सारे स्टॉक्स में, तो वो इसीलिए एक्सपर्ट रिकमेंड करते हैं पीएसयू बैंक ईटीएफ ले लिया जाए। पर एसबीआई स्वीट स्पॉट में है, धीरे धीरे करके वापस 570 रिक्लेम करता हुआ, ये इवेंचुअली अब नॉट नेसेसरली आज के लिए, नॉट नेसेसरली इस एक्सपायरी डेट के लिए आज से, पर इवेंचुअली यहां से बड़े स्वीट स्पॉट में है SBI, including कई सारे इसके साथ साथ सरकारी banks, क्योंकि over the years सरकारी banks में cleansing exercise हुई थी, है ना, उसके चलते pain, years of non-performance सब देख लिया हमने, अब जाके वो cleansing exercise का फायदा मिलना शुरू हुआ, credit cycle improve हो रही है, पैसे mobilize हो रहे हैं, और एक वीडियो वायरल हुआ हुआ था, पैसे इस तरह से मोबिलाइज करने पड़ रहे हैं ग्रोथ को चैनलाइज करने के लिए, कोई कैनरा बैंक के क्या था वो कॉर्पोरेट डिपॉजिट के लिए बाइक लेके, अरे वो वीडियो वीकेंड में हल्ला मचा हुआ था उस वीडियो का, डिपॉजिट चाहिए 666666666 क्या है, तो वो पैसा मोबिलाइज हो रहा, स्वीट स्पॉट में बैंक्स आते हुए, बैलेंस शीट के स्ट्रेन रिड्यूस होते हुए, अरेस्ट होती हुई प्रॉब्लम काफी हद तक, ये सब स्वीट स्पॉट पे आने के वो है, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि प्राइवेट बैंक से कंधा मिलाकर एसबीआई परफॉर्म करके दिखा रहा है। तो रखिए भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को रडार पे, मैं इन ग्रीन लेके चल रहा हूं, बट ये कंसेंसस ट्रेड है, हमें वॉच आउट करना पड़ेगा, निम्बल फुटेड होना पड़ेगा अगर ट्रेडिंग का मन है तो, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ अप्रोच करना पड़ेगा, क्योंकि कल भी मुझे याद पड़ता है मुहूर्त ट्रेडिंग के सेशन ही इसी चैनल इसी प्लेटफॉर्म पे कंसेंसस ट्रेड के तौर पर भी इमर्ज हो रहा था, इस तरह का मामला एसबीआई के साथ, तो एसबीआई ग्रीन है विद कॉशन। टाटा मोटर्स को ग्रीन लेके चल रहा हूं, टू अर्ली टू से कि ऋषि सुनक साहब का लौटना, 1.5 साल ही बचे हैं